मखदूम साहब आपको डर नहीं लगाया आपने लाहौर में खड़े होकर बाजवा को ऐसे ललकारा आप है आपने कि पूरा पाकिस्तान जाग उठाए देखें मैं इस पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये बात भी मुमकिन है मेरा सर ना मिलेगा लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर ना मिलेगा मुझे इन्होंने कहा कि हमने इमरान रियाज को उठा लिया है। अब तुम अपनी खैर मनाओ मैंने इन्हें कहा कि ज़्यादा तुम्हें तको ना करनी पड़े ऐलान करके आया मैं सात बजे लिबर्टी चौक लाहौर में मैं ना सिर्फ अपने भाई इमरान रियाज के लिए आवाज़ उठाऊँगा बल्कि अब मैं उस सवाल का भी जवाब दूँगा जो शहीद अरशद शरीफ ने सवाल पूछा था और मैंने उधर तीन दफ़ा बोला मैंने बताया वो बाजवा था कर लो जो करना मार दोगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे मार देंगे ना मार दो कितनों को मारोगे कितनों को मारोगे तुम मारते मारते थक जाओगे हम मरते मरते नहीं थकेंगे एक अरशद शरीफ गया हजार अरशद शरीफ उठे एक मखदूम शाहब चला गया हजार उठेंगे ना भी उठे मैं तो अपने खुदा को ये कह सकूंगा ना कि मैंने तो अपने हिस्से की क्षमा जलाई मैं तो ये कह सकूंगा मैं तो सुरखरू हूँ और खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ शहीद अरशद शरीफ हमारा काम आसान कर गया मखदूम साहब दहशतगर्दी ये लोग रोक नहीं सकते मुल्क में करप्शन रोक नहीं सकते और बहत्तर साल के एक बूढ़े इंसान को कचहरी में धक्के दे रहे हैं और देखें शेख रशीद के साथ क्या सलूक हो रहा है फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ भी एक एफ आई आर दर्ज हो गई है अभी सुनने में आया है कि इमरान रियाज़ के ख़िलाफ़ कोई और कार्रवाई भी हो सकती है आपके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई हो सकती है दो हिस्से हैं इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे ताती तौर पर यह लग रहा था कि शेख़ रशीद की गिरफ़्तारी के बाद ज़र मुबादला के केखाइर तीन अरब से ना पैंतालीस अरब हो जाएँगे और इमरान रियाज़ की गिरफ़्तारी के बाद हम पेशावर सान रहे कि नेटवर्क तक पहुँच जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हो सका और हमारी तवज्जो कहीं और थी अब फवाद चौधरी साहब पर इन्होंने डाल दिया है कि वो नशे में थे ये इनका अपना ज़हनी गंद है न जो जहनी गंद औरत नंगा करना वीडियोज़ बनाना या शराबें डालना इनकी अपनी आदतें हैं जो ये हम पे डालते हैं मेरे पे भी डाल दो कोई औरत मेरे पे भी डाल दो शराबे क्या हो जाएगा ये कॉम बंधी है सब नजर आ रहा है मुझे तो लगता है ये कौमधी है अभी तक नहीं नहीं जिस तरह कौम को निकलना चाहिए इस तरह कौम निकल नहीं रही है जागेगी थोड़ा ये कौम पिसी हुई है और फिर भी ये कौम नहीं निकल रही है अभी तो मैं इस कौम को कुछ हर साल नींद थी उसके बाद ना ये उठ के अंगड़ाई ली है अभी ये घर से नहीं निकले लेकिन ये जो अंगड़ाई ली है ना उठ के यही नेमत है एक शेर है राजा साहब कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है पचहत्तर साल पहले कायद आजम मोहम्मद अली जिना ने पिंजरे में से परिंदा तो निकाल दिया पचहत्तर साल तक इस परिंदे के दिल से पिंजरा नहीं निकल सका ये गुलाम रहा और मैं आपको एक और बात बता दूँ आपको लग रहा होगा कि ये जो दस महीने हैं ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर है यही लग रहा है ना खुदा की कसम ये पाकिस्तान की तारीख जब लिखी जाएगी ये सबसे सुनहरे दौर के तौर पर याद रखा जाएगा मैं अंधा था मेरी बीनाई वापस आई है मेरी आंखों के आगे पर्दा गिर लग चुका था मुताल पाकिस्तान की एनक थी जो कुछ और नजर नहीं आता था यह तो हमारी आंखें खोलने वाले दस महीने थे इन्होंने हमारी बीनाई लौटाई है अब हम सब देख रहे हैं अब अपनी खैर बनाओ साहब इस्टेबलिशमेंट गिरफ्तारियाँ कर रही है जारी बात में इस्टेब्लिशमेंट को जहाँ पर शुरुआत कराऊँगा क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ही सारे बंदे गिरफ्तार करा रही है इमरान रियाज साहब ने उस दिन बोला है कि सियासी पार्टियों की कोई कात नहीं पर है कि मेरे ऊपर पर्चा दें और चीफ जस्टिस साहब अभी तक बेवास है और मैं तो उन्हीं कोई शुरुवारा इस्टेब्लिशमेंट को और मैं ये आपको अभी कहना आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये इस्टेबलिशमेंट इमरान खान को नल करने जा रही है और इस पर आप क्या कहेंगे देखिए नायल अगर किसी ने करना है ना तो वो मेरे अल्लाह की ज़ात है और उसके बाद इस मुल्क में सबसे बड़ी इस्टेबलिशमेंट ना इस मुल्क की आवाम है किसी मुल्क किसी जमहूरीत में जमूर से बड़ी कोई ताकत नहीं होती और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ मैं यहाँ पर बड़ा वाजे होके कहना चाहता हूँ इस राणा या की इस शहबाज़ शरीफ की इस आसिफ़ जरदारी की क्या अवकात के मखदूम शाहब को उठाए ये उठा ही नहीं सकते सबको पता है कौन उठाएगा और अगर उठाया तो यकीन माने वो अपना नुकसान करेंगे मुझे मार देंगे ना ज्यादा से ज्यादा उससे तो ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते यू कैन किल अ मैन बट यू कैन नॉट किल एन आइडिया बिकॉज आइडियाज आर बुलेट प्रूफ जो सोच है ये बुलेट प्रूफ है अरशद शरीफ की फिक्र आज भी जिंदा है वो मल्टीप्लाई हुई है वो बड़ी है कितनों को मारेंगे खुदा रहा आप हमसे हैं हम आपसे मैं एक और बात यहाँ पे करना चाहूँगा चंद लोग और इस तरह के दीगर लोग उनकी वजह से मैं अपनी फौज से फिर भी नफरत नहीं कर सकता मैं ये बात करना चाहूंगा कि मैं पूरी जिंदगी भी सहावत करता रहू ना कितना बोलता है हूँ आखिरी दम तक बोलता रहूंगा गला बैठा फिर भी बोल रहा हूँ ये हमारी काम की श्रीलंका की काम से कोई सीख ले तुर्की की काम से कोई सीख ले कब तक ये अपनी आंखों इर्शद शरीफ शहीद हो गया है खान साहब को गोलियां लगी हैं इमरान रियाज साहब गिरफ्तार हुए हैं है। शेख रशीद साहब गिरफ्तार हैं जो इनके पार्टनर हैं और आपको भी धमकियाँ मिल रही हैं इसके इस पर आप क्या कहेंगे अपने पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तानी कौम को सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम आपकी जंग लड़ रहे हैं हम आपके हकूक की जंग लड़ रहे हैं लेकिन खुदा की कसम हम बदले में आपसे कुछ नहीं चाहते आप मार लिए निकलें या ना निकलें हम अपने वतन का ये कर्ज उतारते रहेंगे और अरशद शरीफ की तरह मिट्टी की मोहब्बत में हम आशफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे जो कर्ज हम पे नहीं भी बनते हम वो भी उतार देंगे लेकिन इस मुल्क से गद्दारी नहीं करेंगे ये मुल्क मेरा है और ये फौज मेरी है ये इधारा मेरा है ये मेरी आँखों का ताज है और मैं वो जो बात कर रहा था ना मैं पूरी ज़िंदगी सहाफत भी करता रहूँ जितने लफ्ज़ बोलूँ खुदा की कसम वो लफ्ज़ उस एक लफ्ज़ के आगे कुछ नहीं है जब छह बहनों के इकलौते भाई का जनाजा आता है घर में वर्दी में और वो बूढ़ा बाप अल्हम्दुलिल्लाह कहता है कभी जवान बेटे की लाश पे अल्लाह का शुक्र अदा करके देखें ये फौज मेरी है और मुझे उस शख़्स से नफ़रत है जिसने मेरी फ़ौज और मुझे दूर किया है मैं ये दूरियां आज भी ख़त्म करना चाहता हूं ये फौज मेरे बगैर कुछ नहीं है और मैं इस फौज के बगैर कुछ नहीं हूँ मैं पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाना चाहता हूं मुझे आ, दूर ना करें अपने आप, आप, आप क्या समझते हैं कि जो बाजवा साहब को आपने लाहौर में जा ललकारा है जब इमरान रियाज साहब पे एफ आई आर दर्ज हुई है वो गिरफ्तार हो चुके थे आपने वहाँ पे जाके बड़ी जुनूनी तकरीर की है उसके बाद आप पे कोई कार्रवाई हो सकती है या किसी मशकूक लोगों ने आपका पीछा किया हो मुझे मैं वापस आ रहा था लाहौर से मोटे पर ना दो तीन बड़े मशकूक अफराद बार बार देख रहे थे तो एक के पास मैंने जा के कहा कि मैं खुद अपनी लोकेशन बता दूँगा या फिर मैं खुद आ जाऊँगा आपको काले वीगो का शौक़ है मैं अपने वीगो में आ जाऊँगा ठीक है तो आप इतनी मेहनत ना करें ये मुल्क मेरा आप मुझे पाकिस्तान से निकाल सकते हैं मेरे अंदर से पाकिस्तान नहीं निकाल सकते मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता था मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ और मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता रहूँगा मेरा ये सॉफ्टवेयर कोई अपडेट नहीं कर सकता और जो सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहता है उसका अपना सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है अब आप आपकी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई है अब जहाँ पर आप लोहर किसी जगह पे आप फुटपाथ के ऊपर खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे आप क्या कहेंगे देखें वो एक दोस्त ने लगा दी मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है लेकिन चले उससे भी एक मैसेज ज़रूर गया उन ज़मीनी खुदाओं को जो ज़मीन पे खुदा बनना चाहते हैं कि एक खुदा वो है जिस पे हमारा ईमान है और वो ईमान कोई कमज़ोर नहीं कर सकता आप क्या समझते हैं कि इस्टेबलिशमेंट के साथ खान साहब के मुस्करात चल, चल रहे हैं चल रहे हैं इस्टेबलिशमेंट पे पैगाम भेज रही है लेकिन एक चीज़ खान साहब के लिए भी आज अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ पाकिस्तान पे कॉम्प्रोमाइज़ किया तो ये कॉम उनके भी ख़िलाफ़ बोलेगी जो कि वो नहीं करेंगे आई नो हिम वेरी वेल एंड इस वक्त बहुत सी पैगाम रसानी हो रही है और मैं आपको सिर्फ़ एक ख़बर दे देता हूँ एक जुमले में समझने वाले समझ जाएंगे इस वक्त ताकतवरों को भी खान की ज़रूरत पड़ चुकी है देखिए आपने बोला है कि अल्लाह की सबसे बड़ी ताकत है वो तो हमें सारे हमें पता है कि अल्लाह की सबसे बड़ी ताकत है उसके बाद मैंने ये देखा है पाकिस्तान में सबसे बड़ी ताकत स्टैब्लिशमेंट है जो दिन दिन रात जाग रही है अपने लोगों को आ, आगे मैं क्या बोल सकता हूँ हमारे अपने हैं और कुछ लोगों की वजह से आ, ये दूरियाँ पैदा हुई गुजारिश मुनीर साहब से भी है कि अब ये दूरियाँ कम करने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाए एक कदम बढ़ेगा ये इतना प्यार करते हैं आपसे कि ये दस कदम बढ़ाएंगे। लेकिन दिस इज़ द टाइम ऐशे शरीफ शहीद के केस पे आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान को क्या अपील करेंगे मैं ये समझता हूँ कि उन्हें ना ही जगाएँ डिस्टर्ब ना हो जाए और आखिरी सवाल मेरा ये साफी कब तक एक होंगे इनके पे इसी तरह तशद होता रहेगा अंग्रेज़ ने जैसे डिवाइड एंड रूल किया था ना ये इस वक्त डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं हमें हम भी गलत थे बहुत सी जगहों पर जब दूसरी साइड पर तशद हुआ ना तो मैं भी गलत था हम सब गलत थे लेकिन अब तो सबको समझ आ जानी चाहिए एक हो जाना चाहिए बहुत शुक्रिया मखदूम साहब बहुत शुक्रिया